नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। इतिहास के कुछ ऐसे अनछुए पहलू भी हैं जिसे हमें स्कूल में, कॉलेज में और किसी भी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इसे अगर पढ़ा दिया जाए तो ब्राह्मणवाद की पूरी खाल उतर जाएगी। ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं जिसका उत्तर जानना बेहद ही जरूरी है और जिसको ब्राह्मणवाद की चाशनी में फंसा कर उसका उत्तर ही बदल दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे 5 सवालों जवाब देने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये कुछ सवाल हैं: शून्य की खोज किसने की, राजपूतों से पहले राजस्थान में कौन रहता था, राजपूत शब्द कितना पुराना है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी वंशावली कब से शुरू हुई है और इसका क्या सत्य है, क्या गुप्त वंश हिंदू वंश था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंतिम तक बने रहें और अंतिम प्रश्न का उत्तर तो आप बिल्कुल देख के ही जाइए। तो पहला प्रश्न था कि शून्य की खोज किसने की थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है उसको ज्यादातर ब्राह्मणवादी लोगों ने लिखा है। जो विदेशी राइटर हैं वो भी ब्राह्मणवादियों को खुश रखने के लिए उन्हीं की तरह से अपनी बातों को प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे में और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि इतिहास का सत्य क्या है। हमें बताया गया कि आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में शून्य की खोज कर दी थी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 5वीं सदी में ही भारत में 60 से 70 से ज्यादा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज के पाए जाने की बात खुद भारत सरकार ने बताई है, जिसमें से नालंदा, तक्षशिला, तिलहारा, विक्रमशिला तो आप जानते ही होंगे। ये सारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी। इनकी कोई भी उपलब्धि आपको 1वीं सदी से लेकर 8वीं सदी, 12वीं सदी के बीच में नहीं बताई जाएगी। और इसी बीच में आपको पता नहीं कहां से, जंगल से उठाकर, खेतों से उठाकर, किसी ब्राह्मण को उठाकर बता दिया जाएगा कि ये उसकी उपलब्धि है। है ना घालमेल? इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। आज की डेट में भारत के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे IIT, NITs, IIIT, IIM, इनकी उपलब्धि को बताया ही ना जाए और एक ऐसे लोगों की उपलब्धि बताई जानी लगे जिनका कोई प्रमाण ही ना हो और पूरा का पूरा उन्हीं की ही उपलब्धि को हाईलाइटेड किया जाए और जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जिसके सारे सबूत है, प्रमाण है, उनकी कोई उपलब्धि ही ना दिखाई जाए, तो क्या यह पचने योग्य बात है? बस यही हुआ है। यूनिवर्सिटीज पाई गई है बौद्ध यूनिवर्सिटीज और प्रचार कर दिया गया कि कोई ब्राह्मण आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अब सवाल है कि अगर उस समय ब्राह्मण था तो कोई ना कोई वो भी यूनिवर्सिटीज खोला होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक झोपड़पट्टी भी नहीं मिली है ब्राह्मणों की कि वो कोई गुरुकुल तुरकुल भी चलाते होंगे। सारा का सारा प्रमाण बौद्धों का ही मिला है। तो यह पूरी तरह से फर्जी बात हो जाती है कि आर्यभट्ट ने कोई शून्य की खोज की थी। बेसिकली ये 20वीं सदी में कागज पे ही शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट से करवा दिया। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर आर्यभट्ट ने शून्य की खोज नहीं की तो फिर किसने की? तो सीधी सी बात है, जब यूनिवर्सिटीज बौद्धों की थी, ज्ञान विज्ञान भी उन्हीं ने शुरू किया था, उसके अलावा तो कोई प्रमाण मिला नहीं है। सारे उत्खनन के भी प्रमाण उन्हीं के हैं, तो ऑफ कोर्स जीरो की भी खोज उन्हीं ने की थी। चूंकि उस समय कंप्यूटर नहीं था, प्रोजेक्टर नहीं था, 3D स्क्रीन सेंटर नहीं थे, तो बौद्धों ने मूर्ति कला का विकास किया। वो पिक्टोरियल व्यू बनाते थे, उसमें बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग मुद्राओं में, पोजीशन में, अवस्था में दिखाई जाती थी और लोग उसे देखकर सीखते थे। ऐसा ही एक बुद्ध की मूर्ति बनारस से मिली है जो कि कनिष्क काल यानी 1वीं सदी की है और उसके छत पर शून्य लिखा हुआ मिला है। यहाँ तक कि नंबर सिस्टम का जो 20 यानी 20 होता है वह भी लिखा हुआ मिला है। यानी कि शून्य का प्रयोग बौद्ध 1वीं सदी में भी कर रहे थे। हो सकता है कि आविष्कार उससे भी पहले उनने कर लिया हो। इसकी रेफरेंस के लिए गुड़ाकर मूले की किताब है, उसकी पृष्ठ 63 पर आप इसे देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की पुस्तक इतिहास का मुआयना के पृष्ठ 78 पर भी आप इसे देख सकते हैं। इस बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप खुद से उसे चेक भी कर सके। अब दूसरा सवाल था कि राजपूतों से पहले राजस्थान में कौन रहता था, क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्थान में जो किले देखने को मिलते हैं वो सारे राजपूतों के बताए जाते हैं, लेकिन इतिहास इससे थोड़ा अलग है। दरअसल इतिहास को आपसे छुपा लिया गया है, दबा दिया गया है।
कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया पाटलिपुत्र में, इसका मतलब यह नहीं था कि सारे मौर्य खत्म हो गए। उनमें से कुछ मौर्य राजस्थान में भी गए थे और वहाँ पे उनने अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की। और जो चित्तौड़गढ़ का किला आप देखते हैं, वह मौर्य सम्राट चित्रगंध का ही बनवाया हुआ है। आज चित्तौड़गढ़ के किले को लोग राणा के वंशजों की शान समझते हैं। दरअसल मौर्यों के इतिहास को दबाने का कार्य ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने शुरू से ही किया है। 8वीं सदी के मध्य में सिसोदिया वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने राजस्थान में मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य से यह किला अपने कब्जे में कर लिया था। इसका जिक्र मान कवि के राजविलास में भी मिलता है। वह लिखते हैं, चित्रगंध मौर्य द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की स्थापना तथा उसके द्वारा 18 प्रांतों पर शासन करने का शानदार वर्णन मिलता है। इसी वर्णन में यह भी लिखा है कि चित्रगंध मौर्य की सेना में 300,000 अश्व, 3,000 हाथी, रथ और असंख्य पदाथी थे। यानी कि जिस जगह को हम राजपूतों का जगह समझते हैं, वहां 7वीं-8वीं सदी तक मौर्यों का शासन था। इसका रेफरेंस आप राजपूताने का इतिहास पहली जिल्द पृष्ठ संख्या 95-305 पर देख सकते हैं। साथ ही राजविलास छंद में 16 और 21 में पृष्ठ संख्या 18 पे भी देख सकते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की किताब इतिहास के मुआयना में पृष्ठ 81-82 पे भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद से तीसरा सवाल था कि राजपूत शब्द कितना पुराना है। दरअसल राजपूत शब्द किसी भी अभिलेख या लिखित समकालीन नोट्स में 15वीं सदी से पूर्व का नहीं मिला है। प्रसिद्ध इतिहासकार जयचंद विद्यालंकार ने बताया है कि जाति के अर्थ में राजपूत शब्द का इस्तेमाल महाराणा कुंभा के काल अर्थात 15वीं शताब्दी से पहले पूरे भारतीय साहित्य और इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। अब सवाल यहाँ पे यह उठता है कि 8वीं सदी पूर्व राजस्थान में तो मौर्यों का शासन था, 15वीं सदी में राजपूत शब्द आया, तो इस बीच में वहाँ शासन करने वालों की जाति का नाम क्या था? आखिर ब्राह्मणों ने उनसे क्या गठजोड़ किया कि वह अपना असली नाम भूलकर खुद को राजपूत कहने पर मजबूर हो गए और अपनी असली आइडेंटिटी ही भुला दिए? निश्चय ही यह गहन रिसर्च का विषय है। ब्राह्मणों ने भी तो यही किया है। आज वो दुबे, चौबे, छब्बे, नब्बे, शर्मा, दीक्षित सारे टाइटल लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पीछे जाएंगे 12वीं सदी से पहले, 9वीं सदी से पहले, तो ऐसा कुछ टाइटल ही नहीं मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्या षड्यंत्र था कि ये लोग अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी ही भुला दिए और अपनी पहचान और जाति और टाइटल तक बदल लिए? इसके बाद फोर्थ सवाल था कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी सम्राट क्या होते हैं, क्या उनका संबंध रामायण महाभारत से भी है? दरअसल भारत में किसी भी सम्राट ने, किसी भी राजा ने 7वीं सदी पूर्व खुद को सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहा और नहीं लिखा। रामायण और महाभारत तो मुगल काल में अंग्रेजों के काल में लिपिबद्ध किए गए हैं, देवनागरी लिपि में, और जिसे आज महाभारत बताया जाता है, उसी महाभारत के आदि पर्व में सूक्त 1 के 81 श्लोक में लिखा है कि शुरू में इसमें 8800 श्लोक थे, यानी 8800 श्लोक थे। और आदि पर्व के ही 62 सूक्त के 20 श्लोक में लिखा है कि इसका नाम जय था, यानी कि जिसे आज महाभारत बताया जा रहा है, इसका नाम शुरू में जय था और मात्र 8800 श्लोक थे। फिर वैंसपायन नाम का एक बंदा आया, उसने अपनी कारीगरी दिखाई और उसमें कुछ और श्लोक जोड़ दिए, अब श्लोक हो गया 24,000। और यह भी बात महाभारत के आदि पर्व के ही सूक्त 1 के 101-102 लिखा है और अब इसका नाम बदल के भारत संहिता हो गया। फिर आदि पर्व के ही सूक्त 1 के 274 श्लोक को आप देखें तो उससे पता चलता है कि उग्रसवा सौती ने इसमें कुछ और श्लोक जोड़ दिए और अब यह भारत संहिता जो 24,000 श्लोक हो गए थे, वह 9,600-244 श्लोक बना दिए गए और अब इसका फिर से नाम बदल कर महाभारत हो गया। और अंग्रेजों मुगलों के समय में तो की संख्या 100,000 से भी ज्यादा हो गई। तो ऐसे में उसमें के अगर वंशों को कोई चंद्रवंश या सूर्यवंश कह रहा है तो ये तो कहीं से भी साबित नहीं होता कि वो सत्य है। और वैसे भी महाभारत को लोग महाकाव्य मानते हैं, इस पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि क्यों ये महाकाव्य ही है। इसी तरह से वीडियो 66-85 में मैंने पूरी डिटेल से दिखाया है कि कैसे रामायण भी महाकाव्य है और उसके भी सारे राजवंश काल्पनिक हैं जो मुस्लिम और अंग्रेजों के काल में लिपिबद्ध किए गए हैं। और जब लिपिबद्ध
लिपिबद्ध किए जा रहे थे तो ब्राह्मण आपस में ही लड़ मरे कि इसका प्रथम खंड गलत है, तो कोई कह रहा था उत्तर कांड गलत है, कोई कह रहा था कि इसके सिर्फ तीन कांड ही सही हैं सात में से, और कोई कह रहा था कि नहीं सातों के सातों सही हैं। यानी कि जब तक आप उसे लिखोगे नहीं तब तक इनकी बात पर आप बिल्कुल भी विश्वास न करें कि ये कोई ओरल ट्रांसफर करके लाए हैं कोई भी ग्रंथ को। आप कुरान का ही उदाहरण ले लीजिए, जब कुरान को मुहम्मद के मरने के बाद तीसरे खलीफा ने कंपाइल करने की कोशिश की तो उस समय बहुत सारे आयतें आ गई, फिर उसमें से कई सारी आयतों को जलाना पड़ा जो उल्टी बातें कर रही थी, जो एक दूसरे का विरोधाभास कर रही थी। यानी कि जब आप उसे कंपाइल करते हो तब सत्य बाहर आता है, उसके पहले आप कोई भी बात कह रहे हो वो सत्य मानी ही नहीं जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाकाव्यों के आधार पर सूर्यवंश और चंद्रवंश की जो कहानी गढ़ी गई है वह बिल्कुल भी प्रामाणिक नहीं है और उसे माना नहीं जा सकता। और जब रियलिटी की बात करते हैं तो उसमें प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा ने लिखा है कि 7वीं सदी से पूर्व राजवंशों ने स्वयं को लोक प्रतिष्ठित बनाने के लिए सूर्यवंश और चंद्रवंश की संतति होने का दावा किया है। यानी कि ये बता रहे हैं कि 7वीं सदी के बाद से यह कहानी शुरू हुई है, और ये रेफरेंस है मध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति पृष्ठ 23 पे, और इतिहास के मुआयना में आप पृष्ठ 80 पे देख सकते हैं। अब पांचवा सवाल है जो सबसे ज्यादा ज्वलंत सवाल है कि ये गुप्तकाल का षड्यंत्र क्या है, क्या गुप्तकाल हिंदू वंश था या ब्राह्मणवादी वंश था। अब एक बात तो आप जान जाइए कि हिंदू शब्द जो है वह अलबरूनी 11वीं सदी से पहले तो आया नहीं है, तो गुप्त वंश को हिंदू वंश कहना सिरे से ही बेवकूफी है। तो अब यह सवाल आता है कि क्या वह ब्राह्मणवादी वंश था, क्योंकि ब्राह्मणों का तो कहना है कि उन्होंने भूमरा का शिव मंदिर बनवा दिया था, तिगवा का विष्णु मंदिर बना दिया था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना दिया था, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर बनवा दिया था। तो इन सब का मैं पर्दाफाश करूंगा अभी, आप इसको पहले अच्छे से समझते जाए। दरअसल गुप्त वंश को 20वीं सदी में 21वीं सदी में कागज पर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवादी वंश घोषित कर लिया। यानी कि जो प्रैक्टिकल प्रमाण है, जो उत्खनन के प्रमाण है, उसके उलट कागज पे जो ब्राह्मणवादी इतिहासकारों की व्याख्या है गुप्त वंश पे, वो बिल्कुल ही अलग है। वो पूरी तरह से षड्यंत्र है और नियोजित षड्यंत्र है। जरा सोचिए, गुप्त वंश के अगर मंदिर मिल गए और हूणों का आक्रमण उस समय भारत पे हो रहा था, वह लगातार लड़ते रहा था, तो सवाल यह है कि जो राजा दिन रात लड़ाई में लगा हुआ है वह अपनी सुरक्षा के लिए किला भी मजबूत बनवाया होगा। तो मौर्य काल की खुदाई से मौर्यों के किले के अवशेष मिल गए जो कि इनसे भी 600 साल पहले के थे, लेकिन गुप्त काल का जो किला है वह न तो पाटलिपुत्र में आज तक मिला न ही उज्जैन में मिला है। यानी कि गुप्त काल का जो हौवा खड़ा किया गया है यह कागज पे कुछ ज्यादा है। तो अब यह सवाल उठता है कि फिर मंदिर कहां से मिल गए। तो ये भी मैं बता दूं कि ये सारे के सारे मंदिर बहुत बाद में बनाए गए हैं, वो मात्र 500 से 700 साल पुराने हैं, और उसको भी झूठा बताकर कि यह गुप्त काल के हैं प्रचारित किया गया है। जैसे कुछ ब्राह्मण यह प्रचारित करते हैं कि यह मंदिर और मूर्ति महाभारत काल से है। अब मैं इसके कुछ प्रमाण दिखाता हूं। सम्राट अशोक के स्तंभ जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पर यह प्रचार किया गया कि समुद्रगुप्त ने कुछ लिखवा रखा है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार फ्लीट ने उस प्रयाग प्रशस्ति का गहन अध्ययन किया जिस पर सैकड़ों हजारों गौओं के दान देने की बात लिखी हुई थी, अश्वमेध यज्ञ की बात लिखी हुई थी, और प्रचार किया गया था कि यह गुप्त वंश का लिखवाया है। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो यह कंक्लूड किया कि यह समुद्रगुप्त का लिखवाया हुआ नहीं है, ये उसके बाद का लिखवाया हुआ है। यानी कि यह भी एक धांधली थी कि जहां पे गौओं की अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही हो उसको भी बता दिया जाए कि यह गुप्त वंश का है, मतलब ब्राह्मणवादी वंश उसको घोषित कर दिया जाए। अगर अभी तक आपको कुछ संदेह है तो मैं आपके प्रमाणों की झड़ी लगा दूंगा, प्रमाण देखते जाए। कुछ ब्राह्मणवादियों के बच्चे आजकल यह प्रचारित कर रहे हैं कि नालंदा में गुप्तकालीन ताम्र पत्र संस्कृत में लिखा हुआ पाया गया है। दरअसल समुद्रगुप्त के नाम पर ब्राह्मणों ने अनेक जाली ताम्र पत्र भी जारी किए हैं जिसमें गया का नालंदा का जाली प्रमाण पत्र विख्यात है। आई रिपीट, जाली प्रमाण पत्र। तो आप समझ गए कि वह क्यों संस्कृत में लिखा हुआ है। जो गया का ताम्र पत्र है उस पे लिखा है कि समुद्रगुप्त ने गोपदेव स्वामी नामक एक ब्राह्मण को गया विजय के उपलक्ष्य में रेवतिक नामक ग्राम दान में दिया था। अब जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि गया और नालंदा का जो ताम्र पत्र है वह तो टोटल फर्जी है, जाली है। ताम्र पत्र पर सील है गुप्त काल के राजा समुद्रगुप्त का और भाषा तथा लिपि है गुप्तोत्तर काल की, यानी कि गुप्त काल के बाद की। तो यह कैसे पॉसिबल है भाई, जब समुद्रगुप्त दे रहा है तो उसी के काल की लिपि और भाषा होनी चाहिए थी। अब एक दूसरा भी उदाहरण देख लीजिए, विपस्सी ताम्र पत्र, इसे
कवि विद्यापति को मिथिला के राजा शिव सिंह ने दिया था। अब उस विपस्सी ताम्रपत्र पर लक्ष्मण संबत भी है और फसली संबत भी है। फसली संबत अकबर ने चलाया था 16वीं सदी के अंतिम में, यानी 17वीं सदी के शुरू में, और शिव सिंह और विद्यापति थे 14वीं और 15वीं सदी के। शिव सिंह तो राजा बने थे 1402 ईस्वी में, यानी कि 250 से 300 सालों का अंतर है। मतलब ब्राह्मण 300 साल बाद भी फर्जी ताम्रपत्र बनवाता था और जो राजा मर जाते थे उनके वंशजों से उनकी जमीन को हड़प लेता था। यानी कि यह गुप्त काल के बाद जाली ताम्रपत्र बना बना कर, और गुप्त काल को भी, कि गुप्त काल में खूब संस्कृत चलती थी, संस्कृत ही संस्कृत था, यह पूरी तरह से गुप्त काल को ब्राह्मणवादी साबित करने के लिए किया गया और उनकी जमीनों को हड़पने के लिए किया गया है। आपने देखा होगा ब्राह्मणवादी चैनलों पे अभी भी वो गुप्त कुछ कॉपर इंस्क्रिप्शन दिखाएंगे, बताएंगे ये गुप्त काल का है, संस्कृत में लिखा हुआ है, तो वो सारे के सारे फर्जी और जालसाजी है। इतिहासकार रामशरण शर्मा ने लिखा है कि लंपट ब्राह्मणों द्वारा जाली ताम्रपत्र लगातार गढ़कर जमीन हड़पने के खिलाफ अंततोगत्वा 13वीं सदी के जपला के शासक प्रताप धवल ने चेतावनी जारी करनी पड़ी थी। तो देखिए, एक शासक जो है 13वीं सदी में चेतावनी भी जारी कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण क्या कर रहे थे, जाली ताम्रपत्र बनाकर और जितने भी राजा थे उनकी जमीनों को हड़प रहे थे कि राजा ने तो मुझे गिफ्ट में दिया था। यह वही समय था जब बौद्धों को खत्म कर दिया गया था और जैनों को हाशिए में लटका दिया गया था और पूरे भारत की संपदा को लूट रहे थे कौन, ब्राह्मणवादी, संस्कृत में कॉपर इंस्क्रिप्शन लिख के। तो इस तरह से ब्राह्मण भारतीय राजाओं नागरिकों का जमीन हड़पते रहे। आज जो लोग जमीन विहीन है, आप समझ जाइए कि आपकी जमीन कौन हड़पा है, और जहां पे वो जमीन नहीं हड़प पाए वहां पे उनने मंदिर बनवा दिए और यह प्रचारित करने लगे कि गुप्त काल के राजा तो हमें ये जमीन गिफ्ट में दे गए थे मंदिर बनाने के लिए। तो मंदिर बनवाए 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, और प्रचारित कर दिए कि 5वीं सदी का है, गुप्त वंश ने बनवा दिया है। ये थी कहानी इनके मंदिर की, जबकि सच्चाई यह है कि गुप्त वंश के समय में आप जितने भी आर्किटेक्ट देखें तो केवल बौद्धों की ही संरचनाएं मिलेंगी। गुप्त वंश सारे बौद्ध विश्वविद्यालयों को फंडिंग करता था, जहां विदेशी भी आकर पढ़ते थे। सारा काम वो बौद्धों का कर रहा था, बौद्ध स्तूप बनवा रहा था, विश्वविद्यालय चलवा रहा था, और कागज पर वो ब्राह्मणवादी हो गया फर्जी इंस्क्रिप्शन दिखा के। तो दोस्तों, आप शूद्र, अछूत और पिछड़े कैसे बने हैं, इसका जवाब आपको यहीं से मिल जाता है। जो यह पाया जाता है कि आपके पुरखे राजा और महाराजा थे और आज आप जमीन विहीन हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, पिछड़ा हो गए हैं, यानी आपकी जमीनें इसी तरह से हड़पी गई है आपसे, और आपके पूर्वजों को सांत्वना देने के लिए फिर धर्म की अफीम भी चटाई गई, कहानियां गढ़ी गई। ये जो धर्म ग्रंथ लिखे गए कि सपने में ही आके एक ऋषि कह देता है हरिश्चंद्र से कि तूने सब कुछ मुझे दान कर दिया है और वो बेचारा पूरा दान कर देता है, वो सारी कहानियां आपको सांत्वना देने के लिए लिखी गई कि आप अफीम चाट लो और सोच लो कि ब्राह्मण को ही सब कुछ गिफ्ट देना है, और इस तरह से आपका सारा माल हड़पा गया। अब मेरा सवाल यहाँ पे है कि क्या हमारे पूर्वज जो ये 12वीं-13वीं सदी से ब्राह्मणों ने हमारे संपदाओं की लूट की थी उसको समझने में सफल रहे थे? अगर आपका उत्तर है कि नहीं, वो समझ नहीं पाए थे, तो फिर मेरा दूसरा सवाल है कि आज जो हमारे भारत की, हमारे इस जम्बू द्वीप की जो संपदाएं लूटी जा रही है, खसोटी जा रही है, क्या हम लोग उसे समझ पा रहे हैं? इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को सच्चाई पता चल सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।